क्या वाकई ईरान को पहले से पता था? ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। देखिए, ईरान को इसराइल पर हमले की जानकारी पहले से थी। ईरान को क्या ये पता था कि इतना बड़ा हमला होने जा रहा है, कब हमला होने जा रहा है? तेहरान को हमले की योजना क्या पता थी? क्या पूरी जानकारी के बारे में, जानकारी जो इस हमले के बारे में ईरान को पता था, इसके बारे में लगातार सवाल उठ रहे हैं। समय की जानकारी ईरान को हमले को लेकर नहीं थी कि आखिर किस समय और कब यह हमला किया जाएगा। साथ ही अमेरिकी मीडिया ने हमास हमले पर यह जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं लगातार, और अमेरिकी मीडिया की तरफ से लगातार इन बातों का जिक्र हमेशा से ही किया जा रहा है। ईरान को हमले के समय या फिर पैमाने का इतना अंदाजा नहीं था। अमेरिकी मीडिया ने हमास हमले पर जानकारी दी है और एक बार फिर अमेरिका के अखबार में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अजी मीडिया संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। न्यूज रूम से हमें वो जानकारी लगातार दे रहे हैं। प्रणय, इसके पहले भी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान की भूमिका हो सकती है इस हमले के पीछे, और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि हाँ, पहले से संकेत मिल चुके थे, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर हमला होगा और किस समय होगा, इसके बारे में जानकारी ईरान को नहीं थी। देखिए, ईरान को इस मामले की जानकारी थी या नहीं थी, कितना संबंध ईरान का अमेरिका से है, कितने तरीके से उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये दोनों सरकारें ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। लेकिन मीडिया ने जो दावा किया है, उस मीडिया की भी दावे की भी अगर बात करें तो मिस्र की तरफ से भी ये दावा सामने आया था कि मिस्र की तरफ से ये जानकारी इसराइल के साथ में साझा की गई थी। क्या इसराइल ने इसकी को नज़रअंदाज किया है, कुछ जानकारियाँ थीं, लेकिन हमास ने जितना बड़ा जिस स्केल के ऊपर हमला किया है, एक बड़ी चूक इसराइल के फ्रंट के ऊपर ज़रूर हुई है इसके अंदर, क्योंकि जो गाजा पट्टी का पूरा इलाका है, उस पूरे इलाके के अंदर हमास के साथ में जो ईरान के ताल्लुकात हैं, हिजबुल्ला के जरिए उसको मदद मिलती रही है, जो पूरा कॉरिडोर है जो कासिम सुलेमानी के समय से चर्चा में था, कासिम सुलेमानी को ट्रंप के समय में मारा गया था इराक के अंदर, लेकिन उस समय से ये चीजें चर्चा में जरूर आती रही। लेकिन अगर इस घटना की बात की जाए तो एक बड़ी फेलियर इसराइल के फ्रंट पे जरूर हुई है कि वो इन चीजों को पकड़ने में चूका, क्योंकि गाजा पट्टी का जो पूरा इलाका है वो लगातार इसराइल की निगरानी में रहता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी है वहां पर, उसका अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस नेटवर्क चूका और इसीलिए इतना बड़ा हमला हो गया और इसराइल को उसकी जानकारी तक नहीं थी, पूर्व सूचना नहीं थी, और अगर जानकारी थी भी सही तो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखें जिया, अगर कोई ऐसे भी ये कहानी की तरह भी बताता कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर बॉर्डर को पार करके हमास के लड़ाके आएंगे और मारकाट कर देंगे, तो शायद पूरी सटीक जानकारी होने पर भी इसे माना जाता कि ये केवल गप है, क्योंकि इतना बड़ा हमला था, इतने बड़े स्केल का था और सारे सिस्टम जो है। और प्रणय, अभी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही है, कुछ भी पुख्ता रूप से सामने नहीं आ रहा है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से अपने अलग दावे सामने निकलकर हर रोज सामने आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। इसराइल हमास के बीच जंग छठे दिन भी जारी है। हर तरफ से इसराइल हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए, कैसे लगातार इसराइल की तरफ से हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, फिलिस्तीन की किलकिला की तस्वीरें हैं जहां पर इजरायली सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए, इसराइल की सेना ऑपरेशन में जुटी हुई है। फिलिस्तीन के जनिन में इजरायली सेना घुसती हुई नजर आ रही है। लगातार इसराइल की तरफ से ऑपरेशन जारी है। ये तीन तस्वीरें, तीन बड़े अपडेट्स के साथ कि कैसे हमास के ठिकानों पर निशाना बनाया जा रहा है। Zee News.